वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रफ्तार में लगातार तेजी आ रही है। भारत में अब तक कुल 26 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और करीब 51,000 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना के मामले भारत में ही बढ़ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि देश और दुनिया में कोरोना ने कितनी तबाही मचाई है। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 26 लाख के पार जा चुकी है। वहीं 50,000 से ज्यादा लोग इस महामारी के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि ठीक हुए लोगों की संख्या 19 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। अब तक 50,951 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कुल केस 26,42,344 हो चुके हैं। एक दिन में 63,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। देश में अब कोरोना के एक्टिव केस करीब 7 लाख हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी सुधर रहा है। अब तक 19,09,541 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। राज्यों में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसी तरह दिल्ली में भी 24 घंटे में 1200 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अब तक यहां 1,51,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने की दर और बेहतर होकर रविवार को 90% से ज्यादा हो गई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,000 से ज्यादा केस आए हैं। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1,300 केस सामने आए हैं। अब नजर डालते हैं दुनिया भर के आंकड़ों पर। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या हुई 2,18,25,601। कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 7,73,065। महामारी से ठीक होने वालों की संख्या 1,45,59,631। दुनिया भर में एक्टिव केस की संख्या हुई 64,92,905। 24 घंटे में कोरोना के 2,12,630 नए केस आए सामने। 24 घंटे में महामारी से 4,533 लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए न्यूजीलैंड ने लोकसभा चुनाव टालने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने कहा कि अब चुनाव 17 अक्टूबर को होंगे। चुनाव के लिए पहले 19 सितंबर का समय तय किया गया था। वहीं इटली ने आज से 3 हफ्ते के लिए अपने सभी नाइट क्लब, डिस्को और क्लब बंद करने का ऐलान किया है। यहां लोगों से कुछ इलाकों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।